Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, I slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't. सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी एस भाई सुधीर बाबू. सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हैंड वॉकिंग कैसे करें. गाइज, जितना कठिन लगता है देखने में, उतना कठिन रियल में होता नहीं है. और देखने में तो और भी इंटरेस्टिंग लगता है हैंड वॉकिंग. जब कोई हाथ पे चलता है तो मन में जिज्ञासा ज़रूर होती है कि मैं भी ऐसे चलना कोशिश करूं, मैं भी सीखूं. तो गाइज, आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे हम लोग, हैंड वॉकिंग करने के लिए ही सीखेंगे. सो गाइज, क्या क्या लोग गलतियाँ करते हैं इसमें और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में वही सब बताएंगे. आज की इस वीडियो में कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं, इसमें क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, कितनी मात्रा में क्या करना चाहिए. जैसे कि जो एक्सरसाइज बताया जाता है आप लोगों को, वो पूरा करते नहीं, उसके बाद में बताते हैं कि ये होता नहीं है. गाइज, जो बताया जा रहा है एक्सरसाइज, उसके जरिए से ही सीखा जा सकता है. तो गाइज, एक्सरसाइज को पूरा अच्छी तरह से करें, उसके ईमानदारी से उसको करें, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर. तो गाइज, सबसे पहले लोग गलतियाँ ये करते हैं कि यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं. रियल में यहाँ प्रैक्टिस नहीं किया जाता, प्रैक्टिस यहाँ पर किया जाता है इस स्थान पे. तो आपका ये हैंड वॉकिंग के लिए आप तैयार हो, प्रिपेयर हो पाते हैं. पहले लोग ये गलतियाँ करते हैं. दूसरी गलतियाँ ये करते हैं कि जो एक्सरसाइज बताया जाता है उनको वो पूरा तरह से करते नहीं. तो गाइज, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जो बताया जाए एक्सरसाइज उसको पूरा करनी चाहिए, तो आप अच्छा से सीख पाएंगे. तो गाइज, चलते हैं सबसे पहले पहले एक्सरसाइज की ओर बिना टाइम वेस्ट किए. तो गाइज, सबसे पहले आपको पहला एक्सरसाइज करने के लिए आपको वॉल या ट्री की आवश्यकता होगी. तो मेरे पास वॉल है, आप लोगों के पास ट्री भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं. सबसे पहले आपको दीवार में इस प्रकार होकर ये अपने शोल्डर के लेवल पे रखना है हाथ को, ज़्यादा वाइड नहीं रखना है, इसको इतना पे रखें और रिस्ट को थोड़ा वाइड रखें और ये उंगलियों को खुला रखें. उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए यहाँ पर ऐसे होल्ड कीजिएगा, ऐसे करके आप यहाँ पे 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, यही था इस प्रकार से. तो आपको यहाँ पर 30 सेकंड के लिए होल्ड रहना है. उसके बाद ये था पहला एक्सरसाइज, आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद आपको दूसरा एक्सरसाइज किया चल. तो गाइज, आपका दूसरा एक्सरसाइज ये है कि आपको दीवार में पैर को उठा कर रखना है, उछालना है इस प्रकार से. देखिए, आपको ये करने के लिए आना चाहिए अच्छे से. आपको ऐसे करके कोई भी आप जो पैर आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको कर सकते हैं. बिल्कुल इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से. और अब जब पूरा अच्छा से प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करना है. आप अपने क्षमता के अनुसार रह सकते हैं, ऐसे तो 30 सेकंड भी रहेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगी. इस प्रकार से आपको रहना है. तो गाइज, ये है तीसरा एक्सरसाइज और जो इम्पोर्टेंट भी है, ये आपको हाथ को शिफ्टिंग करने के लिए आनी चाहिए. तो चलिए दिखाते हैं शिफ्टिंग कैसे करनी है. आपको ये अच्छा से आना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. तो चलिए दिखाते हैं आपको शिफ्टिंग कैसे की है. सबसे पहले आपको दो से एक्सरसाइज बताया, उससे आगे है थोड़ा ये. तो इसको आपको ऐसे हो जाना है. ऐसे होने के बाद आपको एक सेकंड के हवा में अपना हाथ को होल्ड रखना है. तो आप ऐसे करेंगे, हाथ को शिफ्ट करना है ऐसे. अभी इसको जितना कर पाएंगे, जितना ज़्यादा कर सकते हैं अभी आप कर लेते हैं, इसके मतलब कि आप बहुत करीब हैं, हैंड वॉकिंग के बहुत करीब हैं. ऐसे कर लीजिएगा तो आपको ये प्रैक्टिस आप अपनी क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं. और ऐसे 10-10 दोनों हाथ में करें, 10 इसमें, 10 बार इस हाथ को उठाएं और 10 बार ये हाथ को. तो गाइज, ये था तीसरा एक्सरसाइज जो कि इम्पोर्टेंट था. तो गाइज, चौथा एक्सरसाइज आपको यही है कि कोई आपको दोस्त मिले या फिर कोई साथी मिले, आपका सहपाठी, उसके साथ आपको ऐसे करना है. वो आपका पैर पकड़ेगा, उसके बाद उसके साथ ही आपको उसके साथ साथ चलना है आपको. ये था आपका चौथा एक्सरसाइज, आपके दोस्त की सहायता से करें. और इस एक्सरसाइज को ना भी कर पाएँ, आपका दोस्त कोई ना मिले, आप अकेले कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं. आपको ये तीनों एक्सरसाइज बताया है, उसके माध्यम से आप बहुत ही बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं. आपको चौथा नंबर में करके दिखाऊंगा आपको यही कि आपको होप के साथ, बिलीव के साथ ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आपको वही करना है, डायरेक्ट हैंड वॉल पर चलना है. आपको पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा,
तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं हमको कि कैसे कीजिएगा आप, शुरुआत में आप कैसे करेंगे ये सब एक्सरसाइज करने के बाद। तो गाइस चौथा एक्सरसाइज आपका यही होगा कि आप पूरा बिलीव और होप के साथ आप अपना एक्सरसाइज को मतलब हैंड वॉकिंग को स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको शुरुआत में देखिए कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा तो आप ऐसे इस प्रकार से हो जाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाने हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है इस प्रकार से, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। गाइज आपको ये वाइड रखना है, ये रिस्ट जो है इसको वाइड रखना है इसको थोड़ा, क्योंकि नॉर्मली इसका किसी का इतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होता नहीं, तो इसको सीधा रखेगा आप तो ज़्यादा ये स्ट्रेचिंग नहीं होता, पीछे नहीं आपको आगे जाने में रोकेगी। इसको वाइड रखना है थोड़ा, और ये उंगलियों को खुला रखना है। आपको ये करना है शोल्डर, ये मतलब आपका चेस्ट जितना चौड़ा है उसी का लेवल पे आप हाथ रखिए, ज़्यादा फैलाइएगा नहीं और ज़्यादा सटाइएगा भी नहीं, इसको लेवल पे रखना है। उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आप आपका दोस्त मिले तो उससे भी आप अपना पैर ऊपर पकड़ेगा तो आपका दोस्त, और नीचे आप चलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो का मैं अनाउंसमेंट बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि वैसा जगह नहीं मुझे मिल रहा था, नहीं वॉल नहीं ट्री, ऐसा नहीं मिल रहा था जगह मेरे मुझे, तो मैं ये इस वीडियो बनाने में डिले हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आप पीछे का दृश्य भी दे सकते हैं कि मैं पेट्रो में शूट कर रहा हूँ वीडियो को, आपको इस पे पहले भी मेरा चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, पेट्रो बोल के मैंने इस वाटरफॉल का बनाया है पहले ही ऑलरेडी वीडियो, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ऐसे बहुत ही भव्य दृश्य दिख रहा होगा आपको पीछे मेरा। और गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में बताइए जरूर। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो गाइस चलिए वीडियो को यहीं करते हैं हम।